कबाड़ा वबाड़ा सब जल गया, कबाड़ा हमारा रोजी रोटी है, कबाड़ा में भी जल गया पूरा। सांस लेने में परेशानी होता है, बच्चे सबको भी घबराहट और हम लोग को भी घबराहट होता है। मोस्टली जो नॉर्मल बीमारी होते हैं जिसकी इम्यूनिटी वीक है वो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाता। चार पाँच साल से देखते हैं इस महीने आग लगता है। हाँ, अब ये समझ लीजिए जो ये आग तभी बुझेगी जब बारिश होगा ना, जब जाके बुझेगी ये आग। हाँ, वैसे कितना भी वो पानी वाला गाड़ी आ जाए उससे नहीं बुझेगी ये सब। जैसे अब ये शुरू हुआ है ना, दो तीन दिन पहले शुरू हुई है, आए अगस्त तक ऐसे आग जलता रहेगा। हाँ, छोटा छोटा करके, अभी तो ज़्यादा है, बरसात के टाइम में कम हो जाएगा। उधर वो गैस से फिर दोबारा आग आग निकल रहा है, ठीक है। हाँ। तो इस चक्कर में हम लोगों का बहुत दिक्कत हो रहा है, कबाड़ा वबाड़ा सब जल गया, कबाड़ा हमारा रोजी रोटी है, कबाड़ा में भी जल गया पूरा पूरा हम लोगों का, ऐसी की तैसी हो गया, टेंशन में वो बहुत। ऐसे गांव में भी बहुत कर्जा है और इधर पे भी कबाड़ा जल गया, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा तो अभी 1-2 लाख कर्जा हो जाए गाँव में है। घर से बाहर नहीं निकलते हैं, धुआं जब चलती है तो अंदर रहता है। तो ये जो आपका डंपिंग यार्ड है, इससे जो ये आपकी जहरीली गैस और वो निकलती है, उसकी वजह से यहाँ से पोल्यूशन तो पहले ही है। तो जो 50 प्लस एज के जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनमें सांस की दिक्कत ज़्यादा देखने को मिली, क्योंकि हमें तो इसलिए पता, हमारे यहाँ से दवाइयाँ वगैरह जो लेके जाते हैं तो पंप्स वगैरह, फिर आपके रेस्प्यूल्स जो नेबुलाइजर में लेते हैं, इसका गंदा पानी भी रिसता है इसके अंदर से, उसकी वजह से मच्छर भी बहुत होते हैं। ठीक है, मच्छर होंगे तो आपका फिर उसमें आपके मलेरिया, डेंगू और इस तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं, तो उसके पेशेंट्स भी बहुत होते हैं। फिर खत्ते की वजह से गर्मी यहाँ पर ज़्यादा होती है और इलाकों के मुकाबले, डिहाइड्रेशन हो जाता है लोगों को। ठीक है, फिर वो ग्लूकोज वगैरह छिड़वाते हैं। मतलब मोस्टली जो नॉर्मल बीमारी होते हैं ना जिसकी इम्यूनिटी वीक है वो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाता, उसको छोटी छोटी बीमारियाँ लगी ही रहती हैं। अब इसका काफ़ी दिन से कह रहे हैं, नेत लोग कहते हैं कि भाई इसको बंद कराएंगे यहाँ पे, इसको बंद करेंगे, 1-2 बार आंदोलन भी हुए हैं, हमने सोचा शायद बंद हो जाएगा, लेकिन काफ़ी सालों से देख रहे हैं बंद कुछ हो नहीं रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है।